हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद पेट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में, जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगर आप उस डॉग ब्रीड का नाम समझ गए हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगान हॉर्न के बारे में। अफगान नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती है। इसकी मातृभूमि जो है वो अफगानिस्तान है, मगर इसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान से नहीं हुई थी। अफगान हॉर्न जो है एक हंटिंग डॉग ब्रीड है, जिसको ब्रीड किया गया था शिकार करने के लिए। हॉर्न डॉग का मतलब ही होता है शिकारी कुत्ते। अफगान हॉर्न जो है एक बहुत ज़्यादा पुरानी डॉग ब्रीड है। अफगान हॉर्न के नाम की बात करें तो अफगान हॉर्न का जो नेम है वो उसका रियल नेम नहीं है। इस डॉग ब्रीड का जो रियल नेम है वो है सात ताजी, जो कि फर्सियन में है। इसे ताजी स्पाई भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में अफगान हॉर्न का यूज़ शिकार करने के लिए किया जाता था। आज भी कई लोग इस डॉग का यूज़ शिकार करने के लिए ही करते हैं। तो ये थी कुछ बातें इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री और ओरिजिन को लेकर। अब बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में। अफगान हॉर्न जो है एक टॉल डॉग ब्रीड होती है। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो एक मेल अफगान हॉर्न की हाइट 61 टू 74 सेंटीमीटर तक होती है, और इनका वेट जो है 20 टू 27 केजी तक होता है। अफगान हॉर्न एक काफ़ी ज़्यादा आकर्षित डॉग ब्रीड है। इनके चमकीले और रेशमी बाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इनकी पूरी बॉडी बालों से ढकी होती है। इनके बाल इनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अगर बात करें डॉग ब्रीड के कलर के बारे में तो अफगान हॉर्न आपको बहुत सारे कलर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि फान, गोल्ड, वाइट, रेड, ग्रे। अफगान हॉर्न की पूंछ जो है वो काफ़ी लंबी होती है, और इसकी पूंछ के एंड में एक रिंग जैसा घुमावदार छल्ला बना होता है। अफगान हॉर्न का फेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अब अगर हम बात करें अफगान हॉर्न के लाइफ टाइम के बारे में तो 11 टू 13 ईयर्स तक जी सकते हैं। पुराने ज़माने से ही अफगान हॉर्न अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी चर्चित डॉग हैं। इस डॉग ब्रीड की सुंदरता के चर्चे सभी लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इनके जो लंबे लंबे बाल हैं केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इनका इस ब्रीड की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर रोल भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अफगान हॉर्न अफगानिस्तान से बिलोंग करती है, जहाँ का मोस्टली रीज़न जो है वो है माउंटेनी रीज़न, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तो इनके लंबे लंबे बाल जो हैं वहाँ के हार्श क्लाइमेट से बचाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल होने के कारण इस डॉग ब्रीड को रेगुलर ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अफगान हॉर्न है तो आप उसकी रेगुलर ग्रूमिंग करते रहें, जिससे इनकी सुंदरता बरकरार रहे। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के नेचर के बारे में तो अफगान हॉर्न एक इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। दूसरे डॉग ब्रीड की तुलना में ये थोड़ा सा अलग बिहेव कर सकती हैं, मगर जब ये प्लेफुल होते हैं, यानी कि जब ये मस्ती के मूड में होते हैं, तो आपके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करते हैं। कई बार ये थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका कहना नहीं मानते हैं। इसे ट्रेन करना आपके लिए मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि इनका जो जिद्दीपन होता है इसकी वजह से ये आपके कमांड को नहीं सुनते। जब व्यक्ति अफगान हॉर्न को ट्रेन नहीं कर पाता है तो वो इसका अंदाज़ा इसकी मूर्खता से लगाता है, मगर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब एक डॉग अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। कुछ डॉग ब्रीड थोड़ी स्टबन होती हैं, थोड़ी जिद्दी होती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेन होने में समय लेती हैं। तो आप उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उन्हें प्यार से ट्रेन करें, तो वो ट्रेन हो ही जाएंगे। ये फैमिली डॉग हैं और अपनी फैमिली के अलावा किसी और से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें स्ट्रेंजर से थोड़ा दूर रखेंगे तो स्ट्रेंजर और आपके डॉग के लिए, दोनों के लिए ठीक रहेगा। माना जाता है कि अफगान हॉर्न बहुत ज़्यादा वॉच डॉग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब ये किसी स्ट्रेंजर्स को आपके पास या आपके घर में घुसता हुआ देखते हैं तो एक या दो बार भौंककर चुप हो जाते हैं। अब अगर बात करें इनके प्राइस के बारे में तो इंडिया में इनका प्राइस करीब 10 लाख रुपये के आसपास है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।